इसका को सबूत दे दे तो बेहतर होगा। ना मनाने का सबूत कहां से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वमा रआहुल मुस्लिमून हसना फहुवा इंदल्लाह हसन, और जिस शय को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। अब यहाँ कौन से मुसलमान अच्छा समझे, तो फतह रज़विया शरीफ में इसका ये है कि अहले इल्म और तक्वा। अल्हम्दुलिल्लाह ग्यारहवीं शरीफ तो सदियों से अपने अपने अंदाज में उलमा सुलहा मनाते आ रहे हैं, इसलिए वो हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील है, जवाज है, वरना तो आप कदम भी नहीं उठा सकते। लेंतर की मस्जिदें कहाँ होती थी उस दौर में, कारपेट किस तरह के बिछते थे, पक्की छतें कहाँ थी, मस्जिद नबी शरीफ की भी कोई इस तरह की पक्की छत थोड़ी थी उस दौर में। अब जो सोने के किंदील लगे हुए मस्जिद नबी शरीफ में, इनको जाके बोलो किस हदीस से तुमने निकाला कि अरबों रुपए का सोना यहाँ लटकाया हुआ है, सही है? हम तो जायज बोलते हैं, ये अरबों रुपए का मतलब खिलाफ हर साल लगता है काबे शरीफ पर, काबे शरीफ का खिलाफ तो है, इसकी तो पुरानी तारीख है, लेकिन मतलब कि इतना कीमती होना उसी अंदाज का लगाओ। तुम्हारा लिए जिसको मना नहीं किया शरीयत ने, जायज है, तो ये काबे को खिलाफ देना कीमती ताजीमन बिल्कुल जायज है, अरबों नहीं खरबों रुपए का हो तब भी जायज है। दुनिया भर का सोना मस्जिद नबी शरीफ में अगर खूबसूरती के लिए लगा लिया गया तो नाजायज कौन कहेगा? और तो साढ़े ही डेफिनेशन मान लिए सर, हुजूर ने मना फरमा दिया। सही मुस्लिम में हदीस है 2005 नंबर, और ये हदीस के रावी हैं इमाम जाफर, और उन्होंने रवायत की है इमाम बाकिर से, और इमाम बाकिर ने रवायत किया है जाबिर बिन अब्दुल्ला से कि नबी इस्लाम जब कभी भी जुम्मे या ईद या किसी और मौके पर तकरीर करते तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज बुलंद हो जाती, जैसे कोई जनरल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो, और आप फरमाते हैं कि मैं और क्यामत इस तरह साथ भेजे गए जैसे ये दो उंगलियां, और फिर आप कहते हैं अम्मा बाद फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। कुछ अल्फाज जामिया तिर्मिजी में है, कुछ सुनन नसाई में। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और सबसे बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद दाखिल कर दिए जाए, और वो तमाम काम गुमराहियां हैं, और तमाम गुमराहियां दोजख में ले जाने वाली हैं। तो हुजूर ने मना ही कर दिया ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बेहतरीन तरीका होगा, और बदतरीन काम वो हैं जो दीन में दाखिल कर दिए जाए खुद से। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मन अहदथ फी अम्रिना हाजा फहुवा रद्दुन, जिसने मेरे तालीम की भी चीज में कोई चीज बदल दी या उसमें चीज दाखिल की वो मरदूद है। तो फौरन आपको मिसालें देंगे कि जी ये जो आपने लाइटें लगाई हुई हैं, इन लाइटों का दीन से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? हवाई जहाज में हज करने का दीन से क्या ताल्लुक है? ये दीन को सपोर्टिव काम है, डायरेक्ट दीन नहीं है। डायरेक्ट दीन उस वक्त होंगे जब आप कहेंगे जो हवाई जहाज पे जाएगा उसका हज होगा, जो नहीं जाएगा उसका नहीं होगा। आप बेशक गधे पे जाएं, आप बेशक पैदल जाएं, ये दीन को सपोर्टिव चीज है। कैमरे में रिकॉर्डिंग दीन को सपोर्टिव चीज है। नमाज पढ़ते हुए कोई कहता है ऊपर इस कालीन के और सामने इस एसी शरीफ के, कहता है, और नीचे सीलिंग शरीफ के और मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, ये को कहता है? तो ये दीन नहीं है, दीन को सपोर्टिव चीज है। तो हुजूर ने इन चीजों से तो मना नहीं करना था ना। वो तो कुरान में आया कि अपने घोड़े तैयार रखो, सूरतुल अनफाल में आया कि अपने घोड़े तैयार रखो जंग के लिए। तो आज के दौर में जब आप ये बात करेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि आपने लेटेस्ट असला तैयार रखना है, ये तो नहीं घोड़े तैयार रखने, वो तो जनरल बात होती। तो ये तमाम चीजें हैं दीन को सपोर्टिंग। इसके बारे में अलग हदीस है, वो सही मुस्लिम में है कि जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उसे मिलेगा, और जो अमल कर रहे होंगे उनके अमल में भी कमी नहीं होगी, और जो इस्लाम में बुरा तरीका जारी करेगा उसका वो बाल उस पर होगा। और इन्होंने वो अल्फाज है सुन्नतन हसनतन, बिदत हसना नहीं है, सुन्नत हसना है। और वो हदीस पूरी बयान करें तो आपका मसला भी हल हो जाएगा। पूरी हदीस यूं है कि नबी इस्लाम ने कुछ न्यू मुस्लिम आए जिनके चेहरे पर भी गुर्बत के आसार थे, नबी इस्लाम ने मस्जिद में मेंबर लगवा के खुतबा दिया, आपने फिर कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात तलावत की जिनमें सदका और खैरात की तरगीब दिलाई गई, एंड पे आपने कहा कि अल्लाह की राह में सदका करो। एक अंसारी अपने घर गए और वो अपने घर से काफी सारा सामान एक थैले में
इकट्ठा करके, और सहाबा इकराम कहते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से उसको उठा के लाया, घिसटता हुआ ला के मस्जिद के सेन में रखा, तो हुजूर इस्लाम का चेहरा मुबारक इस तरह चमक उठा जिस तरह के सूरज और सोना, क्योंकि उसकी वजह से बाकियों को भी जेब ढीली करने की तरगीब मिली। फिर एक उठा, दूसरा उठा, ला के मस्जिद में ढेर लग गया, हुजूर खुश हो गए। तो आपने फरमाया जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, यानी अच्छा तरीका किसने, उस अंसारी साहबी ने जो बारिश का पहला कतरा बना। ये आधी हदीस लेके अच्छा तरीका, और इसे पकड़ के जो है वो अपने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस, कोई अपने 10 मुहर्रम के जुलूस, कोई अपने यकम मुहर्रम के जुलूस हलाल करने शुरू कर देता है खुदा के लिए।